ये लाइन देख लो पीछे, ऑलमोस्ट आधा एक किलोमीटर से ये लाइन लगी हुई है। ये बेचारा डोरेमोन को सीट जैसे यूज कर रही है। बेस जो है जय काम के फिलहाल में अकोला एक घंटा, ठीक है 200 किलोमीटर। तो सी वेज वगैरह डालना पड़ेगा बीच में, समुद्र नहीं तिथे एक तलाव है त्याच्यातून आपण जाऊया, खाडी तलाव इलाव दलदल चलतो का भोपालला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। फाइनली इट्स राइट टाइम, यस मैं जा रहा हूँ अमरावती मेरे गांव। सो ये सारा जो आप सामान देख रहे हैं ये मैं कैरी करने वाला हूँ और ये जो ट्रिप रहने वाली है वो प्रॉपर सेटअप वाली ट्रिप रहने वाली है एंड ऑफिशियल ट्रिप रहने वाली है। इसके पहले जब मैं गांव गया था तो वो अनऑफिशियल थी, घर पर किसी को मालूम नहीं था। बाय द वे दिस इज़ अ सेमी सोलो राइड, जाते वक्त सौमित्र मेरे साथ आने वाला है और आते वक्त मैं सोलो आने वाला हूँ। सो जो सामान मैं कैरी करने वाला हूँ आपको एक शॉट में बता देता हूँ। सो इसमें मेरे सारे कपड़े हैं जो अभी मैं सैडल बैग में ट्रांसफ़र करूँगा, उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेक्स सनग्लास, ये एक बॉक्स है जिसमें ये सब सामान जाएगा, चार्जर, गोप्रो के एसेसरीज, थोड़ा मेडिकल का सामान, ORS मूव एंड ऑल, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलो टेप्स, ये है कैमरा Canon H9R, लेकिन अभी ये फ़िलहाल में तो बंद है बट इसको जब मैं पावर कॉर्ड से कनेक्ट करूँगा तो ये चालू होता है। ये है अडाप्टर माइक GoPro के लिए, WD-40 चेन ल्यूब और क्लच केबल, फॉग लाइट्स के येलो कवर्स एंड ये है अपने राइडिंग जैकेट का लाइनर, ठंडी के लिए स्पेशली है तो इसका भी फर्स्ट टाइम यूज़ होने वाला है, और ये अपना एक्सोर का हेलमेट है। सो ये सब सामान अभी मुझे इसमें डालना है एंड उसके बाद निकलना है और कल सुबह हम लोग राइड पे निकलने वाले हैं। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट डे एक सेकंड में। सो अपनी बाइक हो चुकी है रेडी, ये है सैडल बैग्स, इसको लगाने में थोड़ा टाइम गया, रेडी ये करने में हमारा आधा घंटा गया, हम लोग 5:30-6 बजे तक ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। ठीक है फर्स्ट टाइम है इसके लिए इतना टाइम लगेगा बट जब यूज़ टू हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं, अभी निकलते हैं। 6:30 हो रहा है अभी, हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग 6:30 बजे लोनावाला के भी आगे रहेंगे। चलो तो हम लोग जो रूट लेने वाले वो ऐसा रहने वाला है, यहाँ से पुणे, पुणे से संभाजी नगर, संभाजी नगर से हम लोग जाने वाले हैं अकोला, मे बी अभी तक अकोला का प्लान फिक्स नहीं है, अकोला से डायरेक्ट फिर हम लोग जाएंगे परतवाड़ा। सो टोटल किलोमीटर्स जो हो जाएगा वो रहेगा 700 किलोमीटर्स, अकॉर्डिंग टू मैप 14 घंटे, तो देखते कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। आराम से जाना है, कोई घाई है नहीं अपने को, राइड का मज़ा उठाते उठाते जाना है, एक गलती और कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं चाहिए मुझे। मैं इसके पहले भी मेरे गांव गया था, उसकी स्टोरी भी मैंने वीडियो के थ्रू आपको बताई है, अगर वो देखा नहीं रहेगा तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत फनी स्टोरी है। और उस टाइम पे ना फॉग लाइट ना कुछ, बस दिमाग में राइडिंग का भूत था, इसके लिए गाड़ी निकाली, हेलमेट पहना और निकल गया था मैं। बट आज जो फील हो रहा है ना इतना अच्छा लग रहा है, जो भी है बट फिलहाल मैं अभी राइड का मज़ा लेता हूँ। ब्रेक लेते हैं अभी। सो सैडल बैग एकदम कट टू कट लगा के रखा है मैंने, जब ट्रायल लिया था तभी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तभी सिर्फ घर की चादर कुशन वही सब डाल के हम लोग ने ट्रायल लिया था, बट आज जब कपड़े रखे हैं तो प्रॉपर फिट भी हो चुकी है। ये अभी जैसे मैंने बांध के रखा है तो इतनी गैप है इसमें, जब ट्रायल लिया था तो ऑलमोस्ट इतना इतना आ रहा था और पैर रखने में प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे लगा था कि डबल सीट में जिस स्पीड से मैं आ रहा हूँ ऐसा लग रहा था कि कभी लोनावाला पहुँचेंगे कभी पुणे पहुँचेंगे, बट मैं लोनावाला में आके टाइम देख रहा हूँ यार 1 घंटा भी नहीं हुआ था ऑलमोस्ट। चलो अच्छा खासा ब्रेक हो गया,
अभी मैं थोड़ी देर ग्लोव नहीं पहनूंगा क्योंकि वो थोड़े अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं मुझे। एंड अभी हमारा एस्टीमेट टाइम बता रहा है 12 घंटे। एक बार हम लोग जालना क्रॉस कर गए तो फिर आराम से हम लोग रील्स वीडियोज एंड ऑल सब कर सकते हैं। सो अभी ये तलेगांव वाला लेफ्ट है, यहाँ से एक्सप्रेसवे आता है, यहाँ से बाईपास हम लोग जाएंगे। ये लाइन देख लो पीछे, ऑलमोस्ट आधा एक किलोमीटर से ये लाइन लगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा बोर है, ऑलमोस्ट एक घंटा लिया यार इधर आते आते। 54 किलोमीटर कुछ तो था जिधर से मैंने लेफ्ट टर्न लिया। अकोला और 440 किलोमीटर है, 9.25 घंटा दिखा रहा है, और अकोला के बाद परतवाड़ा जाना है तो करीबन 10.5 घंटा। मुझे पुणे सिटी हो या शिकरापुर हो ये सब सुबह कवर करना था। मुझे मालूम था कि यहाँ पे ट्रैफिक मिलता ही है, कोई नहीं आराम से जाना है। धूप जब चालू हो जाती है तो बहुत बोर होने लगता है सीरियसली, और उसमें अगर ट्रैफिक मिल जाए तो ख़त्म। बट अभी 4 लेन रोड जो है वो डायरेक्ट अपना जालना तक रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं। जालना के बाद के रोड का वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से रोड एकदम मक्खन रहने वाला है। ये बेचारा डोरेमोन को सीट जैसे यूज़ कर रही है, ऑप्शन नहीं है। ये तो सीट जो है ये राहुल की गाड़ी की सीट है, सॉफ्ट उसने बनवा के ली थी, तो ये राइड के लिए उसने सीट दी है। और ये जो गार्ड साहब देख रहे हैं ये जैन दादा के हैं सो कह सकते हैं कि ये ट्रिप उन लोगों ने भी स्पॉन्सर की है। एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया है, वी आर मेंटेनिंग अ गुड स्पीड, सब बराबर है। थोड़ा गाड़ी को भी आराम अभी और अपने को भी आराम। ऑलमोस्ट 1/2 घंटे का अपना ब्रेक हो गया इधर, और टाइम आगे बढ़ते जा रहा है। अभी औरंगाबाद और 3 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। अभी नेक्स्ट स्टॉप रहेगा फ्यूल स्टॉप, क्योंकि अभी 2 बार बचे हैं। औरंगाबाद तक तो जाना ही चाहिए, 300 किलोमीटर कंप्लीट करना ही चाहिए। अभी हो गया है 220 किलोमीटर। फाइनली अहमदनगर पहुंच चुके हैं, और औरंगाबाद यहाँ से अभी 115 किलोमीटर है, मोर अराउंड 2.5 आवर्स। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये ब्रिज का काम चालू था शायद से, बट अभी हो गया है। सो ये ब्रिज मेरे ख्याल से सिटी को पूरा पार करके ही बाहर निकालेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। फुल करा कार्ड कैश ना, वो गाड़ी वो डिक्की की है। हाँ डिक्की है, 300 किलोमीटर के आसपास फुल में जाती है गाड़ी, अगर इज्जत में चलाओ तो और जाती है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगाबाद सिटी में। हाँ, और यहाँ से और लगेंगे ऑलमोस्ट 6 घंटे, सो वी आर थिंकिंग टू टेक अ मेजर ब्रेक हियर, ताकि थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी यही रास्ता सीधा जाएगा जालना। सो फाइनली एक होटल में अभी आके रुके हैं, कंटिन्यू अभी चला रहा था मैं, एंड बेस जो है गया है काम से फिलहाल में, इसके लिए बैठने की भी इच्छा नहीं हो रही है, सीट हार्ड है थोड़ी इसके लिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, औरंगाबाद सिटी अभी क्रॉस हो गई, अभी 1/2 घंटे में जालना आएगा, और जालना से जैसे ही लेफ्ट लेंगे बाईपास रोड पकड़ेंगे वैसे ही आगे एकदम टेंशन फ्री जर्नी रहने वाली है। सौमित्र आएगा जाके और बेस बट एक एक घंटे में ब्रेक लेके करना पड़ेगा। फिर भी हम लोग ने कितने 3 ब्रेक्स लिए हैं अभी तक, 3 से 4 ब्रेक्स ले चुके हैं हम, और आगे भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि भगाते हुए जाना है।
आराम से जाएंगे, क्योंकि ये अगर अच्छा रहेगा तो जो फंक्शन में हम लोग जा रहे हैं उस टाइम तक हम लोग सीधे खड़े रह पाएंगे। चलो ऑल द बेस्ट सौमित्र फिर से। तो अकोला और 233 किलोमीटर से यहाँ से, और कितना घंटा, 4 घंटे में पहुँचेंगे? 4 घंटा तो मैप ही बता रहे हैं। हाँ, 1 घंटे में अकोला, हाँ अकोला 1 घंटा, ठीक है 200 किलोमीटर। हाँ, सीवेज वगैरह डालना पड़ेगा बीच में, एयर वियर कुछ? समुद्र नहीं, तिथे एक तलाव आहे त्याच्यातून आपण जाऊया, खाडी तलाव इलाव दलदल। अगर आप सीधा जाएंगे तो जालना सिटी जाएंगे, राइट साइड में बीड़ है, और अभी अपने को लेना है लेफ्ट टर्न अकोला के लिए। हाँ अकोला 196, नागपुर 452, अमरावती 281। अभी अच्छे रोड चालू हो चुके हैं, आगे जाके और एक लेफ्ट आने वाला है तो वो भी लेना है, और उसके बाद एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट अगर हम लोग जाएंगे तो अकोला या फिर अमरावती जिधर जाना है जा सकते हैं। अपडेट ऐसा है कि हम लोग अकोला से नहीं जाने वाले परतवारा, हम लोग जाने वाले हैं अकोट से, क्योंकि अकोला से ज़्यादा टाइम दिखा रहा है, सिर्फ अकोट में थोड़ा पैच ख़राब रहेगा बट जल्दी पहुंच जाएंगे, और उसमें भी 4.5 घंटा यहाँ से बता रहा है, मतलब अभी तो ऑलमोस्ट 6 बज रहे, 15 मिनट बाकी है 6 बजने के लिए, तो ऑलमोस्ट 9-10 बजे हम लोग पहुँचेंगे। चाय ब्रेक और वाइजर क्लीन करने वाला ब्रेक कहीं चाह, तू कहता है ना मेरे वाइजर पे तो कितने कीड़ों की जान गई है क्या मालूम। थैंक यू। कंबर आए जागे और आए दोपहर खूब वाटर होता। एक्चुअली 2-3 रीजंस है इसके पीछे कि हम लोग सुबह पहले तो थोड़ा लेट निकले, उसके बाद हमको ट्रैफिक मिला उसमें इरिटेट हुए, ऊपर से धूप थी तो कंफर्टेबल उतने नहीं थे हम, लेकिन अभी कैसा है कि सनसेट हो चुका है, ठंडी भी थोड़ी थोड़ी चालू है हो गई है इधर, तो फिर अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी बस एंजॉय करते करते निकल सकते। अभी अभी नींद आ रहा है इसलिए अच्छा। चलो आज जितने भी हम लोग ब्रेक्स ले रहे हैं वो लंबे ही हो रहे हैं। वाइजर भी क्लीन है, हॉर्न भी क्लीन, लाइट भी क्लीन, एंड रेडी टू रॉक अगेन। संत नगरी शेगांव में पहुंच गए, अभी और 120 किलोमीटर यहाँ से जाना है आगे। अभी आप अगर सीधा जाएंगे तो मंदिर की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो अकोला परतवाड़ा एंड अकोट, तो अभी हम लोग लेंगे लेफ्ट यहाँ से। ओके सो अभी हम लोग है अकोट में, और अकोट इज़ माई बर्थ प्लेस। अभी यहाँ से अगर आप यू टर्न लेंगे तो दरियापुर साइड जा सकते हैं, और सीधा अभी हम लोग जाएंगे परतवाड़ा। वाटर रोड्स, वाओ, जितनी धूल हमको पूरे ट्रिप में नहीं मिली उससे ज़्यादा धूल से हम लोग अभी नहा चुके हैं यहाँ पे। अमरावती, नागपुर, जबलपुर, बैतूल, इंदौर, भोपाल, चल तो का भोपाल। सो इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो हियर। कल आने के बाद गोप्रो और हमारी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। ये राइड की अगर बात करें तो ये राइड में एक अलग एक्सपीरियंस मिला, अलग मज़ा भी आया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने बिलियन के साथ और इतना सारा सेटअप लगा के लॉन्ग राइड की है, और मुझे डर एक ही बात का था कि जो मैंने सैडल बैग्स लगाए थे ना साइड में, तो वो बाजू में कोई अगर गाड़ी रहती
या फिर मैं अगर ओवरटेक करता हूँ तो वो उसको लगे ना, ये मुझे राइड स्टार्ट होने के पहले लग रहा था। लेकिन जब मैंने राइड स्टार्ट की थी उसके बाद ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं सैडल बैग्स लगा के बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि इजीली और स्मूथली एकदम अच्छे से हम लोग राइड कर रहे थे, अच्छा क्रूज़ कर रहे थे। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही जगह पे हुआ कि हम लोग निकलने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि ये सब जो सेटअप था वो फर्स्ट टाइम लगा रहे थे हम लोग, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ राइड करनी थी मुझे, कोई रिस्क नहीं लेनी थी इसके लिए। फिर प्रॉपरली सब सेट हुआ है या नहीं वो सब मैं देख रहा था लास्ट में, मतलब जब जालना हम लोगों ने क्रॉस किया उसके बाद तो रोड एकदम मक्खन था। मैं फुल थ्रॉटल दे के बैठा था सिर्फ, और मतलब रोड जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, घर पे कभी पहुंचता वैसी घाई लगी थी मुझे। बट वी कवर्ड अप एंड गूगल मैप्स के टाइमिंग के हिसाब से हम लोग घर पे पहुंचे। अगर बीच में ब्रेक नहीं लेते तो जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन ब्रेक्स लेना मैंडेटरी हो गया था हमें स्ट्रेचिंग के लिए। बट ओवरऑल बहुत मज़ा आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।